नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज 24x7। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। शोपिया में डीसीएसपी शोपिया ने बॉयज इंटर डिस्ट्रिक्ट शतरंज चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। उपायुक्त सचिन कुमार वैश्य और एसपी तनुश्री ने आज जिला युवाएफ खेल कार्यालय शोपिया द्वारा आयोजित एक प्रभावशाली समारोह में जिला शोपिया में सभी आयु समूह के तहत लड़कों के लिए अंतर जिला प्रांतीय स्तर के शतरंज चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी शोपिया मोहम्मद मुश्ताक और जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी शोपिया नूरुल हक के साथ संयुक्त निदेशक युवा सेवाएं और खेल कश्मीर बशीर अहमद भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। प्रतियोगिता में कश्मीर संभाग के सभी 10 जिलों की टीमें भाग ले रही है, जिसमें 144 छात्र खिलाड़ी अपने संबंधित जिलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उद्घाटन भाषण के दौरान उपायुक्त शोपिया ने व्यक्तित्व के समग्र विकास पर जोर दिया, जो तभी संभव है जब कोई शारीरिक विकास प्राप्त करे। उन्होंने शोपियन जिले में इस तरह के भव्य प्रांतीय स्तर के टूर्नामेंट के आयोजन के लिए विभाग के प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि चैंपियनशिप दूसरे को समग्र व्यक्तिगत विकास के लिए खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने भी बात की और छात्रों को प्रतियोगिताओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की सलाह दी। चैंपियनशिप को अंतर उपायुक्त शोपिया द्वारा ओपन घोषित किया गया, जो 23/7/2022 को समाप्त होगा। बाद में नूरुल हक जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी शोपिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया और अतिथियों को मोमेंटो भेंट किए। अपने आप को एक्सेल करने का, अपना हुनर दिखाने का, हमारे तरफ से स्पेशल शोपिया डिस्ट्रिक्ट को ऑल द बेस्ट एंड वी वांट यू ऑल टू रिप्रेजेंट अस इन नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल। थैंक यू सो मच। खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है, पर इससे आपकी पर्सनैलिटी निखरती है। तो जितने भी यहाँ टीम्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट, उनके टीम्स यहाँ आई हुई हैं, तो ये हमारे लिए इंडीड हमारे लिए एक ऑनर है। क्या सभी लोग यहाँ खेलने हैं, मुझे लगता है यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, यहाँ का जो स्टाफ है और यहाँ का जो एनवायरमेंट है, वो किसी और जिले से ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप यहाँ अच्छे से खेलेंगे, काम कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप में से ही, मुझे नहीं पता कि कल की डेट में, जैसे कि आज हम नीरज चोपड़ा की बात करते हैं कि जैवलिन में इंडिया, तो ये कुछ हमारे लिए एक्चुअली सब ज्यादा गर्व की बात होगी। आज फोटोज में हमें नहीं दिखता सामने, कल को फोटो वायरल हो जाएगा, उस टाइम मेरे को एड्रेस कर रहा था और आप देखिए कि ये जो आज यहाँ जीते हुए हैं वो यहाँ बैठे हुए, तो कोई भी कहीं भी जा सकता है और आप में इतना पोटेंशियल है। हम लोग की जो जनरेशन है उससे आप 15 साल। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एबीटी न्यूज 24x7।